पंडित राम प्रसाद विस्मिल बलिदानी मेला व खेल महोत्सव आयोजन के तीसरे दिन अमर बलिदानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस के अवसर पर विस्मिल पार्क में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के आधार पर दुल्हन सजाओ, रंगोली बनाओ, मेहंदी लगाओ, देशभक्ति गीत गायन, देशभक्ति के गीतों पर नृत्य कार्यक्रम सम्पन्न हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी मौजूद रहीं। इस अवसर पर भारत माता एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और शहीदों को नमन भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी ने कहा, जो दुल्हन प्रतियोगिता में बच्चियां हैं उनको बैठाने का व्यवस्था करें। जब तक ये व्यवस्था बन रही है, भाई प्रदीप त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी, आपसे अनुरोध है कि आप पूरे जी एक बार हमारे इस कार्यक्रम को पुनः गौरव हासिल हो रहा है कि हम बहन लाहिड़ी जी का इस कार्यक्रम का बैच लगा करके स्वागत करने का हम सभी मेरा नाम गीता लाहिड़ी है, मैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की भतीजी हूँ, छोटे भाई की बेटी। यहाँ पर तो आपके बिस्मिल का आयोजन किया गया, पर आज 17 दिसंबर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का आज मृत्यु दिवस है, जो उनका उनकी फांसी गोंडा जिले में हुई थी, गोंडा जेल में हुई थी। आज ये विजय जी मेरे मुझे लेके आए हैं, उनको जब मालूम पड़ा कि मैं उनकी भतीजी हूँ तो इन्होंने मेरे से 2 साल पहले से संपर्क रखा, कि बीच में आपका कोरोना हो जाने से मैं आ नहीं पाई थी, टिकट खरीद लिया था आने जाने का, तब मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा था, पर तब हम आ नहीं पाए क्योंकि उस समय कोरोना बड़े जोर शोर से था, और फिर हमने कैंसिल करके अब फिर भी इन्होंने हमारे साथ संपर्क रखा कि आप अब आइए। तो अब तो कोरोना करीब चला जा रहा है ना, तो फिर अब मैं आ गई, इसीलिए तो बेटे को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं अकेली आई हूँ। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस कौन से कौन कौन सा कार्यक्रम आज किया गया है? आज यहाँ पर लड़कियाँ दुल्हन बनी थी, एक विवेकानंद बने थे, लोगों ने गाना गाया, कुछ ने डांस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बच्चे सब कर रहे हैं ये चीज़। ये हमारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, सब किसके अंदर कौन सा गुण छिपा है ये तो हम मालूम नहीं पड़ता है ना, जब उसको उभारा जाता है तब मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये सब बच्चे कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।